एपिसोड 3 शुरू होता है और हम देखते हैं संगसिक भागते हुए ऑफिस की तरफ आ रहा है और दूर से उसे जब नाराई देख लेती है वो जल्दी से एलिवेटर की डोर क्लोज करने लग जाती है। संगसिक तब कहता है, तुम एलिवेटर का डोर इतना जल्दी से बंद क्यों कर रहे थे, तुमने तो देखी थी कि मैं आ रहा हूँ। तो नाराई कहती है, तुम अगर मुझसे अपोलोजाइज करना चाहते हो तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। संगसिक कहता है, भला मैं क्यों अपोलोजाइज करूँ, अपोलोजाइज तो तुम्हें करना चाहिए। नाराई कहती है, मैं वो क्यों। संगसिक कहता है, अच्छा तो तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया है, तो फिर ठीक है मैं तुमसे कुछ देर बात करना चाहता हूँ। फिर वो दोनों जाते हैं बात करने के लिए। नाराई कहती है, जो भी कहना है जल्दी से कहो। संगसिक कहता है, तुम्हें नहीं पता ना कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। फिर वो उसकी गर्लफ्रेंड का मैसेज दिखाता हुआ कहता है, देखो मेरा गर्लफ्रेंड मुझसे कभी ऐसा नहीं करती है, वो अब तो मेरा मैसेज का रिप्लाई भी नहीं देती है तभी वो मैसेज करती है। तो नाराई कहती है, तुम शायद कुछ गलत समझ रहे हो, वो तो मैसेज करती है। तो ये देख के भी संगसिक कहने लगता है, उसने सिर्फ यूप बोला है, वो तो ऐसा नहीं करती, वो हर समय एज लिखती है, लगता है मामला बहुत ज्यादा गंभीर है। क्या तुम्हें अभी भी बुरा नहीं लग रहा है। नाराई कहती है, नहीं अभी मुझे सॉरी बोलो, तुम्हें मुझसे सॉरी बोलना चाहिए। नाराई कहती है, भला मैं क्यों सॉरी बोलूं। वो कहता है, क्योंकि ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, हमारे बीच में तुमने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दिया है। तो नाराई कल की रात की बात को सोचने के बाद कहती है, अच्छा तो तुम उस बारे में बात कर रहे हो, ठीक है मैं समझ गई। संगसिक कहता है, सिर्फ समझने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मुझसे अपोलोजाइज करना पड़ेगा और मेरे गर्लफ्रेंड के पास जाके उसे सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा, नहीं तो मैं अपना मुंह से कैसे दिखा सकता हूँ। और तुम इतनी बड़ी लड़की हो गए, एक छोटा सा मकड़ी से डरती हो, कैसा अजीब बात है। तब नाराई अपनी शोल्डर की कपड़े हटाते हुए कहती है, देखो इसे। और संगसिक उससे बहुत ज्यादा डरने लग जाता है। नाराई कहती है, क्यों अब बताओ डर लगा तुम्हें। तब अचानक से वहाँ पे उसका गर्लफ्रेंड आ जाती है और उन दोनों को ऐसे देख के वो वहाँ से कुछ ना बोलकर ही चली जाती है। उसके चले जाने के बाद संगसिक कहता है, वो तुम क्या कर रहे थे, उसने ऐसे देख लिया हमको, वो फिर से गलत समझ लेगी, और तुम ये सब मेरे साथ ही क्यों कर रहे हो, क्या तुम मुझे पसंद तो नहीं करती हो ना। और ऐसी बातें सुन के नाराई गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इधर खंगमी को दिखाया जाता है, जो कि नॉर्मली सिप की तरह एक भीड़ वाली बस में चल रही थी। और इधर मातन को देखते हैं, वो अकेला एक बड़ा सा बस में बैठा था और वो दिल में सोच रहा था कि मैं भी नॉर्मल लोगों की तरह ऑफिस जा रहा हूँ बस से। फिर हम खंगमी को देखते हैं, जो हाथों में वो लेटर लेके कंधे में एक बैग पकड़ के जा रही थी और उस बैग में कुछ पॉपकॉर्न था। और इधर वो सोच रही थी कि वो इतना सारा पैसा कहाँ से लाएगी। उसे जो मंथली पेमेंट मिलता है उससे वो घर का खर्चा, बिल का खर्चा और खाने का खर्चा मिटाती है। इन सब के बाद कुछ ही पैसा उसके पास रह जाता है, अब भला इतना सारा पैसा कहाँ से लाएगी। फिर वो पॉपकॉर्न का पैकेट देख के कहती है, इस पॉपकॉर्न से ही मुझे एक हफ्ता चलाना पड़ेगा। फिर नोटिस करती है कि बैग थोड़ा हल्का हो गया है और नीचे देखती है छेद हो चुका है, और उसने पूरा रास्ता ये फैलाते हुए आ रही थी और उन सब पॉपकॉर्न्स को कबूतरे खा रहे थे। तो वो कबूतर को भगाने लगती है, लेकिन उसका जो मेन पैकेट था कबूतर ने उसमें भी कब्जा कर लिया था। फिर वो उन्हें भगाने के लिए अपने कराटे मूव्स दिखाने लगती है, जिससे डर के कबूतर भी भाग जाते हैं। और ये सब दूर से मातन देख रहा था, क्योंकि उसका मूव्स कमाल का था। और मातन अपने असिस्टेंट से कह रहा था, मैंने पहली बार ऐसा मूव्स देखा है, वो भी कबूतरों को उड़ाने के लिए। इधर ऑफिस में संगसिक नाराई से अपोलोजाइज करने के लिए उसे कुछ स्नैक्स वगैरह देता है। फिर काम के वक्त संगसिक कहता है, तुमने जो किया वो बिल्कुल सही नहीं है, अब मैं उसे कैसे समझाऊंगा। नाराई कहती है, ये तो बहुत सिंपल है, तुम उसके पास जाके कहना, ह्योंगा तुम जो समझ रहे हो वो बिल्कुल गलत है, नाराई और मेरे बीच में कुछ नहीं है। और वैसे भी नाराई का पोजीशन मुझसे बहुत ऊंचा है, वो बहुत ज्यादा हाई क्लास सोसाइटी से है, वैसे उसका बॉयफ्रेंड भी है। और ये सुनने के बाद संगसिक हंसने लग जाता है, वो कहता है कि ऐसा छूटे बात तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा। नाराई कहती है, तुम ऐसे बोल कैसे सकते हो, जाओ एक बार जाके बोलो तो सही। संगसिक कहता है, वो हमारी ऑफिस में ही काम करती है और तुम्हारे बारे में उसे शायद अब तक सब कुछ पता होगा, तो वो इस सब बातों में नहीं आएगी। नाराई कहती है, फिर मरो जाके, मेरे पास दोबारा मत बोलने आना, मैं अब से तुम्हारा कोई हेल्प नहीं करने वाली हूँ। दोनों के झमेले से ह्योंगमी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही थी, वो कहती है, ऑफिस में अगर तुम लोग झगड़ा करने आए हो तो यहाँ से निकल जाओ फौरन। संगसिक कहता है, सॉरी मगर मैं कुछ नहीं कर रहा था। तो फिर नाराई ही वहाँ से उठ के चली जाती है। इधर मैनेजर और कुछ स्टाफ मिलके मातन के बारे में खबर लेने लगता है, उसका सारा डॉक्यूमेंट चेक करता है, क्योंकि उसके बिहेवियर के ऊपर उनका बहुत ज्यादा शक है। तो वो कहाँ से आया है, वो पहले क्या करता था, उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, ये सब जानने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पे ह्योंगमी आके कहती है, मैनेजर क्या आपने मुझे बुलाया था। तो मैनेजर कहते हैं, हाँ। और उससे कहते हैं, आज का हमारा जो भी बिजी शेड्यूल है उन सबको कैंसिल कर दो। ह्योंगमी कहती है, हमारा तो वैसा कुछ शेड्यूल नहीं है। इधर मातन ऑफिस के खाने से बहुत ज्यादा प्यार कर बैठा था। तब वहाँ पे प्रीवियस मैनेजर आके उससे पूछने लगता है उसका पेरेंट्स के बारे में और उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, लेकिन मातन ये सब बताना नहीं चाहता था। तो वो साफ साफ कह देता है कि इसके बारे में वो कुछ नहीं बताने वाला। और उसके चले जाने के बाद सभी कहने लगते हैं, इस बंदे में कुछ तो बात है,
हमसे यह कुछ तो छुपा रहा है, लेकिन मुझे ज्यादा देर पागल नहीं बना सकता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं खंग मी आके मातन को कुछ पैसा देती है। वो कहती है इससे ज्यादा उसके पास नहीं है, वो थोड़ी थोड़ी करके सारा पैसा चुका देगी। मातन कहता है हाँ वो समझ सकता है उसका सिचुएशन। खंग मी कहती है थैंक यू मुझे समझने के लिए। लेकिन तभी मातन कहने लगता है ठीक है आज नहीं तो कल मुझे सारा पैसा जरूर दे देना। तभी वहाँ पे मिस्टर छा आके कहता है तुम दोनों यहाँ पे अकेले में क्या कर रहे हो। खंग मी कहती है वो मातन को स्टाफ की कुछ चीजें सिखा रही थी बस और कुछ नहीं। इधर संगसिक नाराई के पास एक ईमेल भेजता है जहाँ पे 10 टिप्स लिखा था, वो भी अपने गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने का। नाराई कहती है ये सब तुमने मुझे क्यों भेजा, मैं देख के क्या करूंगी। तो वो कहता है ये सब वही टिप्स है जो उसने ह्योंगा को प्रपोज करने के लिए बनाया था। फिर वो बताने लगता है उसने उसका गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए बहुत सारा प्लान बनाया था। एक बार तो कॉलेज की सारे बॉयज को फ्लावर देके मैंने कहा था ह्योंगा को देने के लिए, लेकिन उनमें से ही एक लड़के के साथ ह्योंगा चली गई और मेरा प्लान फ्लॉप हो गया। फिर हम ड्रिंक करने गए थे एक बार जहाँ पे वो ड्रिंक कर रही थी, तब मैंने कहा अगर तुम इस ड्रिंक को एक बार भी पी लेती तो मैं समझ लूंगा तुम मुझसे प्यार करते हो। जिसके बाद उसने उस ड्रिंक को मेरे मुंह पे दे मारा। नाराई कहती है इसके मतलब तुमने बहुत बार फेल किया है। तो संगसी कहता है हाँ लेकिन फेलियर से ही सब कम बनता है तो मैं आज दोबारा कोशिश करूंगा। नाराई उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो बहुत ज्यादा जोश में आ गया था। फिर वो रिक्वेस्ट करने लगता है नाराई से कि वो जाके उसके गर्लफ्रेंड के साथ एक बार बात करे ताकि उनका मिसअंडरस्टैंडिंग कम हो जाए। इधर प्रीवियस मैनेजर देखता है मातन ड्रिंक लेने आया है, लेकिन हम देखते हैं मातन के पास खुले पैसा तो है ही नहीं, तो वो मायूस होकर वहाँ से हट जाता है। और प्रीवियस मैनेजर को ऐसा लगता है कि वो बेचारा इतना गरीब है कि उसके पास ड्रिंक खरीदने का ही पैसा नहीं है। फिर मातन आसमान की तरफ घूम के कहने लगता है मॉम डैड मैं यहाँ पे अच्छे से हूँ, आप लोग मेरे लिए चिंता मत करिए। और उसी बातों में रेस्ट इन पीस कह देता है, जिससे उनको लगता है कि उसका मॉम डैड शायद मर गया है। और अपने बंदे से कहता है वो शायद अपनी मॉम डैड से बात कर रहा है, हमें उसका ये सब पर्सनल बातें नहीं सुनना चाहिए। फिर वहाँ से सबको लेके चला जाता है। और हम देखते हैं मातन एक ड्रोन की तरफ ही देख के कह रहा था ये सब कि वो लोग अब उसे स्टॉक करना बंद भी कर दे। इधर उसका मॉम डैड सीसीटीवी से उसके ऊपर नजर रख रहा था और जब वो मातन का बात सुनता है तो कहता है जल्दी से छुप जाओ उसने हमें देख लिया है। फिर याद आता है मातन तो उसे देख ही नहीं पाएगा। अब मातन उस ड्रोन को तो बंद करना चाहता था तो उसे तब खंग मी के बारे में याद आता है, तो वो खंग मी को कॉल करके बुलाता है और खंग मी भी आके उसे पकड़ लेती है। और मातन उसे इस काम के लिए थैंक यू कहता है और कहता है वो जब जब उसका मदद करेगा वो तब तब उसका बजट कम करता जाएगा। मतलब कि अब खंग मी उसका हेल्प करके उसका वो सब पैसा चुका सकती थी। इधर नाराई आई थी ह्योंगा से बात करने, जहाँ पे वो उसे समझाती है कि उसने जो देखा कल और आज वो सब सही नहीं है। तब ह्योंगा कहती है हाँ मुझे पता है कि मैंने जो देखा वो सच कभी नहीं हो सकता क्योंकि संगसिक ओपा बहुत ज्यादा नादान है, वो कभी ऐसा कर भी नहीं सकते। और वैसे आप बहुत ज्यादा स्केयर्ड हो तो आपसे तो बिल्कुल भी नहीं। और नाराई तो उसके बातों से गुस्सा हो जा रही थी और उसके पास नाराई संगसिक के बारे में उल्टा सीधा बोली जा रही थी ताकि ह्योंगा भी अपनी सारी बातें उसके सामने रखे। और बातों बात में पूछ लेती है कि संगसिक और ह्योंगा का अगर शादी हो जाए तो कैसा होगा, वो इसके बारे में क्या सोचती है। ह्योंगा कहती है संगसिक ओपा बहुत ज्यादा अच्छे हैं लेकिन मेरे टाइप का नहीं। तो नाराई कहती है क्या बोल रहे हो तुम, तो तुम उसके साथ ऐसे क्यों रह रहे हो, उसे जाके सच क्यों नहीं बताती। ह्योंगा कहती है मैं उन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती और मुझे बहुत पहले से ही पता है कि वो मुझे पसंद करते हैं। और हमें यहाँ से पता चलता है उस दिन कॉलेज में जब संगसिक ने ह्योंगा को प्रपोज करने का सोचा था तब ह्योंगा उसका ये इंटेंशन पहले से ही समझ गई थी और इसी वजह से उसने जानबूझ के उसका प्लान खराब कर दिया था। और ह्योंगा कहती है अभी उसका बॉयफ्रेंड है। और ये सब बातें तो नाराई को हैरान के ऊपर हैरान करते जा रही थी। ह्योंगा कहती है वो जब भी संगसिक के साथ रहती है उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वैसे संगसिक उसका बहुत ज्यादा मदद करता है, जैसे उसका लैपटॉप ठीक कर देना, टैबलेट ठीक कर देना, उसका डॉग का पॉटी साफ करना। और जब मैं चिकन ऑर्डर करती हूँ तो वो चिकन का गले का सारा मांस खा लेते हैं जो कि मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अब तो हमें समझ आ ही गया है कि ये ह्योंगा संगसिक को सिर्फ इस्तेमाल करती है। फिर नाराई संगसिक के पास आके कहती है देखो मैंने उसे सब कुछ बोल दी है और इसके बाद तुम मुझे इस बात के लिए परेशान मत करना और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड के पास जाके और नहीं बात कर सकती। संगसिक पूछने लगता है उसने मेरे बारे में क्या बताया। नाराई कहती है उसने तो बहुत सारा बातें बता दी जो कि मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती, लेकिन मेरा मानो तो उसका पीछा छोड़ दो यही तुम्हारे लिए सही होगा। लेकिन संगसिक उसका बात नहीं सुनता और वो कहता है वो आज ही उसको प्रपोज करेगा। रात को प्रीवियस मैनेजर अपना काम खत्म करके ऑफिस से जा रहे थे तभी वो वहाँ पे मातन को देख पाते हैं जो कुछ लोगों के साथ बातें कर रहा था। और वहाँ पे मातन का असिस्टेंट
और उनका टीम था, लेकिन मैनेजर को ऐसा लगता है जैसे मातन को वो लोग पकड़ के ले जा रहे हैं और जबरदस्ती से वो लोग मातन से रोज पैसा लेते हैं। तो मैनेजर टाइम वेस्ट ना करके वहाँ से कुछ मिट्टी वगैरह को हाथों में लेके उनके आँखों में दे मारता है और फिर मातन को अपने गोद में उठा के भाग जाता है। ये सच में बहुत ज्यादा फनी मोमेंट था। फिर वो जाके उसे अच्छे से खाना खिलाता है। जहाँ पे मैनेजर देखता है मातन बहुत कम खाता है, तो उसे ऐसा लगता है शायद वो ठीक से खा भी नहीं पाता है। फिर मातन वहाँ पे अपना पैसा देने जाता है, तो प्रीवियस मैनेजर कहते हैं ये खाना तुम्हें तुम्हारा सीनियर खिला रहा है, तो तुम्हें यहाँ पे पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। और जाने से पहले उसे बहुत सारा टिश्यू का बॉक्स देता है और ये दान करने के बाद सोचता है वाह मैं कितना ज्यादा महान हूँ। और मातन बेचारा वहाँ पे ना समझो की तरह खड़ा था। इधर संसिक अपने गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए जाता है, वो भी टेडी बियर कॉस्ट्यूम पहन के, और वो खुद में ही सोचने लगता है कि वो कैसे प्रपोज करने वाला है। इधर हम जान पाते हैं मातन रहने के लिए अपने स्टूडियो में आया है क्योंकि वो अब से उसके फादर और मादर के साथ नहीं रहने वाला। और लाइट ऑन करने के बाद ही वो देखता है वहाँ पे बहुत ज्यादा सामान रखा हुआ है जो वो अकेले नहीं हटा पाता, तो वो कॉल करके खंगमी को बुलाता है। इधर संगसिक अपने गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए फ्लावर बुके लेके खड़ा था। हियोंगा पूछती है तुम कौन हो, लेकिन वो कुछ ना बोल के उसे वो गुलदस्ता देता है। और तभी पीछे से हियोंगा का रिसेंट बॉयफ्रेंड आ जाता है और वो टेडी बियर से कहने लगता है कितना पैसा है इस गुलदस्ता का। वो सोच रहे थे कि वो गुलदस्ता वो यहाँ पे बेच रहा है, तो हियोंगा अचानक से कहने लगती है क्या तुम संगसिक उपा हो। टेडी बियर अपने हाथों से इशारा करता है कि वो नहीं है, और इसी टाइम पे उसके हाथों से वो गिफ्ट गिर जाता है जो कि वो हियोंगा के लिए लाया था। तो फिर हियोंगा संगसिक को कॉल करने लगता है, तो टेडी बियर के पास से ही आवाज आने लग जाता है और फिर वो पकड़े जाने के डर से वहाँ से दम दबा के भाग जाता है और उसने वो गिफ्ट वहीं पे छोड़ के चलाया था जो कि हियोंगा उठा लेती है। इधर खंगमी मातन के घर में आके सब कुछ साफ सुथरा कर देती है, लेकिन इतनी काम करने की वजह से उसे बहुत तेज से भूख लग गया था और उसकी पेट से गुरगुर का आवाज भी आ रही थी। तो मातन उसके लिए चिकन ऑर्डर करता है और खंगमी भूख के मारे हाथों से ही खाने लग जाती है, जो कि हमारे लिए तो नॉर्मल है लेकिन मातन के लिए नहीं। और खंगमी खाते खाते अपने सारे मुंह में लगा रही थी और इतना मेसीनेस मातन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि वो बंदा साफ सुथरा वाला है, तो वो उसके मुंह को पोंछने के लिए कहता है, जिसके बाद खंगमी उसके अपने मेसी हाथ से ही पोंछने लगता है, तो वो और भी ज्यादा गंदा हो जाता है। तो मातन को खुद से ही उसका मुंह साफ कर देना पड़ता है, जो करते हुए वो दोनों बहुत ज्यादा क्लोज आ गए थे। और तभी मातन का मॉम का एंट्री होती है जो कि पीछे से उन दोनों को देख के बहुत ज्यादा गलत समझ लेती है। इधर नारा और उसका दोस्त हियोंगमी अपने काम से वापस आ रही थी, तभी वो रास्ते में संगसिक को देखता है जो कि उदास होके चल रहा था। और तब नाराई को याद आती है कि संगसिक ने कहा था आज वो अपने गर्लफ्रेंड को प्रपोज करके ही छोड़ेगा, और फिर हियोंगा को उसके बॉयफ्रेंड के साथ भी देखती है, जिससे उसके पास क्लियर हो जाता है कि किस वजह से संगसिक इतना ज्यादा उदास है। उसकी दोस्त पूछती है हुआ क्या है, तो नाराई उसे सब कुछ वहीं पे बताती है कि हियोंगा एक सेल्फिश लड़की है, सिर्फ अपने काम के लिए संगसिक को इस्तेमाल कर रही है और हमारा संगसिक उल्लू का पट्टा यह समझ नहीं पा रहा है। इधर संगसिक वापस आ रहा था बस से और वो बहुत ज्यादा उदास था क्योंकि इतने सालों का प्यार जब धोखा देता है तब शायद बहुत दुखी होता है। वो हियोंगा का सारी बात याद करते हुए आ रहा था कि कैसे वो हर समय उसका हेल्प किया करता था सिर्फ उसके चेहरे पे थोड़ा सा स्माइल देखने के लिए, और आज उसने एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचा ये करने से पहले। और फिर टेडी बियर के मास्क को वो पहन लेता है ताकि उसे रोते हुए कोई देख ना ले। फिर बहुत तेजी से बारिश शुरू हो जाता है, तभी संगसिक भीगते हुए घर आ रहा था, तो वो एक उसके जैसे ही टेडी बियर दिखता है जो कि बारिश में भीग रहा था। तो वो उससे बातें करने लगता है कि लगता है तुम्हें भी किसी ने छोड़ दिया है, शायद उसने नया खिलौना खरीद लिया है। फिर उसकी माथे को छतरी से कवर कर देता है और कहता है हम दोनों में एक चीज सेम है, हम दोनों ही अकेले हैं। और तभी संगसिक के ऊपर कोई छतरी पकड़ती है, वो और कोई नहीं नाराई थी। वो कहती है तुम इस बारिश में यहाँ पे बैठ के कर क्या रहे हो। और इसी इमोशनल मोमेंट पे ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।